Hello friends, मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे Facebook पेज टेकीराग पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियो के साइज को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं और जबकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है इसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ और ये आपके वीडियो के साइज को बहुत कम कर देता है लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता है, क्वालिटी बिल्कुल सेम रहती है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और अपनी वीडियोस को कंप्रेस करना चाहते हैं, चाहे आप इसे YouTube पर अपलोड करने के लिए करें या किसी भी और पर्पस के लिए, लेकिन अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो और लगाते हैं हमारी इंट्रो और शुरू करते हैं। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर है वो है हैंड ब्रेक। इसकी वेबसाइट है handbrake.fr, यहाँ पर लिखी जा रही है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिपेंड करता है आप कौन से एक्सटेंशन में आपके फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद कौन से एक्सटेंशन में उसे कन्वर्ट करते हैं। लाइक आपने MPG में आपकी एक फाइल है MPG एक्सटेंशन के साथ MPG फॉर्मेट में, उसके बाद आप उसे MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपकी फाइल के साइज को, मैंने खुद से यूज किया है तो मैं खुद बता सकता हूँ 2GB से 50MB तक भी कर देता है। लेकिन कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि अगर आप MP4 को MP4 ही करेंगे तो ये 500MB से 200MB में कर देगा, या इस तरह के मतलब अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर सेट कर देता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर कौन से फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट करना है और कितना साइज कम होगा, तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप कर देते हैं। तो मैं इसका आपको पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने पीसी में हैंडब्रेक को डाउनलोड करके, आप भी डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे ओपन किया तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का इसका कुछ इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सोर्स का, जिसे आप अपनी सोर्स फाइल सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपने जिस फाइल को कन्वर्ट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स करेंगे कुछ, इसका फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से ब्राउज करके इसे सिलेक्ट करेंगे, पाथ इसका डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ पर इसे बाद में रखना है, कन्वर्ट करने के बाद वाली फाइल कहाँ पर आए, उसके बाद आप इसे स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए, मैं जिस फाइल को कन्वर्ट करूँगा वो ये मेरी ही वीडियो है, मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरी एक वीडियो है YouTube वाली, तो YouTube पर जो मैंने चैनल पर डाली थी, तो इसका मैं आपको साइज दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके। तो इसका जो साइज़ है वो है 267MB यानी कि 267MB। तो अब इसे मैं कन्वर्ट करूँगा, तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे यहाँ से सीधा ड्रैग कर दूँ, या फिर मैं यहाँ से सोर्स में जाऊँ फाइल में और इसे सिलेक्ट कर दूँ। तो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए आप, ये फोल्डर है, फोल्डर का मीन्स है एक फोल्डर में अगर आपके पास ज़्यादा सारी फाइलें हैं उन सभी को आप इकट्ठा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोड्यूस सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो 1920 का है, तो इसकी विड्थ आ चुकी है, हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा क्योंकि रेशियो है वो सेम ही रहता है, एक्सपेक्ट जो रेशियो है। उसके बाद आता है फिल्टर, आप इसमें अगर ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, ग्रे स्केल फिल्टर लगाना चाहते हैं, कोई और फिल्टर लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन वीडियो, वीडियो के अंदर यहाँ पर आता है वीडियो कोडेक, लेकिन उससे पहले ऊपर कंटेनर आता है आउटपुट सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर MP4 और MKV है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपने इसको आउटपुट देना है। वीडियो कोडेक क्या, कोडेक क्या होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जो H.264 है ये वाला YouTube के लिए सबसे बेस्ट होता है, इससे YouTube में अपलोडिंग और प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होती है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि मैं इसे YouTube की वीडियोस करता रहता हूँ। देन MPG4, MPG2 वगैरह ये सारे DVDs के लिए होते हैं, तो मैं जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर होती है क्वालिटी, देखिए इधर लिखा हुआ है लोअर क्वालिटी, तो जितना मैं इधर लेके जाता रहूँगा उतनी ये लोअर क्वालिटी होती जाएगी, इधर जाऊँगा तो ये नॉर्मल क्वालिटी होती जाएगी। ये देखिए, इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर 20 में है, मैं इसे 30 तक कर सकता हूँ, 30 से कम मत, 30 से मतलब ज़्यादा मत करिएगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, लेकिन मैं इसे 20 ही रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आप कुछ और सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके प्रीसेट्स है, यानी कि आप किस टाइप का करना चाहते हैं, डिवाइसेस के लिए, अगर आप आईपैड के लिए करना चाहते हैं कन्वर्ट, एप्पल टीवी के लिए, एंड्रॉइड के लिए, या हाई प्रोफाइल करना चाहते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो है, यहाँ से आप इसे कट करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, कोई और ऐड ट्रैक करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, सबटाइटल्स लगा सकते हैं, इसके अलावा इसमें चैप्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ ब्राउज पर जाकर सिलेक्ट करना है जो आपने जहाँ पर इस वीडियो को रखना है, तो जैसे मैं इसे नाम देता हूँ कन्वर्टिंग और सेव कर देता हूँ।
देन अब आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है प्रिपेयरिंग टू एनकोड और उसके बाद ये स्टार्ट हो चुकी है कन्वर्ट होनी। तो ये देखिए 11-12% हो भी चुकी है और इसका यहाँ पर लिखा रहा है एवरेज फ्रेम। एवरेज फ्रेम कितनी है? 100 फ्रेम एवरेजली हो रहे हैं पर सेकंड, और रियल में जो हो रहे हैं वो 101 हो रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं। ये मेरे पीसी के हिसाब से हो सकता है आपके कम हो क्योंकि मेरे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन जैसी होगी उसी हिसाब से होगा। टाइम भी है उसी हिसाब से लगा, यहाँ देखिए टाइम रिमेनिंग कितना टाइम रह गया और कितना टाइम लग गया अलर्ट से। तो इससे पता लगता है कि आपके पीसी के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेता है। तो चलिए हम इसे होने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये लगभग हो चुका है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो क्रॉपिंग है इसके अंदर अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम से पूरी वीडियो को, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया क्यू फिनिश, तो ये क्यों फिनिश हो चुकी है यानी कि ये वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब ये जो वीडियो है सबसे पहले मैं आपको पहले वाली वीडियो का प्रॉपर्टीज ओपन कर लेता हूँ और अब जो कन्वर्ट हुई है उसकी प्रॉपर्टीज। तो आप देख सकते हैं जो पहले वीडियो थी वो 267 MB की थी और जो अब कन्वर्ट हो चुकी है वो है 44 MB। तो इसने इतना साइज कम कर दिया। अब मैं आपको दोनों वीडियोज़ की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये पहले वाली वीडियो है और अब मैं इसकी आपको अब वाली की दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल क्वालिटी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी क्वालिटी की। और ये आपकी जो ये कोडेक है इसका वो H.264 भी हो गया, अगर आप इसे YouTube पर अपलोड करेंगे तो वो भी फास्ट अपलोड होगी। तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।